आजकल फिल्म मेकर्स के लिए हॉट टॉपिक बने हुए हैं। इस पर बेस्ड कोई ना कोई फिल्म रोज अनाउंस होती रहती है। अब नितेश तिवारी की रामायण भी इसी पर बेस्ड है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रामायण पर कोई फिल्म बन रही हो। इससे पहले भी रामायण पर बेस्ड 50 फिल्में और 18 टीवी शोज बन चुके हैं। जी हाँ, जिसमें हिंदी लैंग्वेज 17 फिल्में और तेलुगु में 18 फिल्में बनी है, जिसमें से कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई भी की थी। इंडिया में 106 साल पहले पौराणिक फिल्मों के बनने का चलन शुरू हुआ था। 1917 में हिंदी सिनेमा में रामायण पर बनी पहली फिल्म लंका दहन रिलीज हुई थी। सितारा साहेब फाल्के ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की खास बात यह थी कि राम और सीता की भूमिका एक ही एक्टर अन्ना सालुंके ने निभाई थी। इस फिल्म के अलावा रामायण, रामराज्य, संपूर्ण रामायण, भरतमला, बजरंग बली और रामबाण जैसी फिल्में भी शामिल है जो कि रामायण पर बनी हुई है। वहीं रामायण पर बेस्ड पहला टीवी शो दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 को ऑन एयर हुआ था, जिसे रामानंद सागर ने डायरेक्ट किया था। इस टीवी शो में अरुण गोविल ने राम और दीपिका चिखलिया ने सीता की भूमिका निभाई थी, जबकि सुनील लहरी ने लक्ष्मण, अरविंद त्रिवेदी ने रावत और दारा सिंह ने हनुमान का रोल प्ले किया था, जो आज भी हम सबके बीच में काफी पॉपुलर है। इसके बाद जब ओम राउत की आदि पुरुष रिलीज हुई तो फिर ऑडियंस को फिल्म से रामानंद सागर की रामायण जैसी उम्मीद थी, पर वो तो डोरेमोन जैसा VFX भी क्रिएट नहीं कर पाई थी। लोग काफी डिसअपॉइंट हुए थे। उनकी कॉस्ट्यूम्स, डायलॉग्स, हेयर स्टाइल, मेकअप, VFX, कहानी, सेट, कोर वैल्यू, कास्ट, रियल लाइफ, नेचर, सभी बातों की बहुत निंदा हुई थी। इसकी वजह से फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हो गई। लोगों ने हमेशा राम को क्लीन शेव और सीता को नारंगी साड़ी में इमेजिन किया था, और यही इमेज लेकर वो आदि पुरुष देखने के लिए गए थे, लेकिन वहां तो उन्हें कुछ और ही देखने को मिला, जिससे कि वो काफी दुखी हो गए, काफी डिसअपॉइंट हो गए। अब एक और फिल्म रामायण पर बेस्ड आ रही है, इसका नाम गॉड पावर बताया जा रहा है, जो नितेश तिवारी डायरेक्ट करने वाले हैं। जी हाँ, नितेश रामायण को लेकर ना काफी सख्ती बरत रहे हैं और आदि पुरुष गलतियों से सीखते हुए उन्होंने काश को किरदार को लेकर काफी इंट्रोवर्ट कर दिया है, ताकि कम से कम डिटेल बाहर आए। वही नितेश ने अपने काश को बहुत सोच समझ कर चुना है, क्योंकि राम बनने वाले रणबीर कपूर क्लीन शेव में काफी अच्छे लगते हैं, लोग उन्हें इस लुक में पहले भी देख चुके हैं। वहीं इनका कोई भी सोशल अकाउंट नहीं है, जिसकी वजह से इनकी कोई पर्सनल लाइफ की डिटेल्स बाहर आती ही नहीं है। ऐसे में कोई इनके रोल को रियल लाइफ से कंपेयर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आदि पुरुष के टाइम पर प्रभास और कृति सनन को किसिंग और नॉनवेज खाने के लिए प्रमोशंस के वक्त ना काफी ट्रोल किया गया था, काफी क्रिटिसाइज किया गया था, इसका सीधा असर फिल्म की सक्सेस पर पड़ा था। ऐसे में नितेश ने कास्ट को टाइट रखा है। जी हाँ, सीता की भूमिका में साई पल्लवी है, जिन्हें हमेशा ट्रेडिशनल अटायर में देखा गया है, जिसके कारण लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं और सीता से वो आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आदि पुरुष के समय कृति सनन के छोटे कपड़ों पर रामानंद सागर की रामायण में सीता की भूमिका करने वाली दीपिका चिखलिया ने कृति सनन को उनके कपड़े के लिए क्रिटिसाइज किया था। जी हाँ, जो नॉर्मल डेज में ना कभी भी ट्रेडिशनल वायर में नजर नहीं आती है, वो 4 दिन ऐसे कपड़े पहनकर सीता नहीं बन सकती। वहीं आदि पुरुष पूरी बेकार VFX पर बेस्ड फिल्म थी। उनकी गलती से सीखते हुए नितेश तिवारी की फिल्म में VFX पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। नितेश तिवारी कहानी और इमोशन पर अपना फोकस रखेंगे। फिल्म क्रिटिक्स का कहना था कि ओम राउत ने आदि पुरुष बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ VFX पर ध्यान दिया था, शायद इसलिए नितेश तिवारी VFX की बजाय कहानी पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें यश रामायण में रावण बनने वाले हैं। उनके लिए मेकअप असली सोने का कॉस्ट्यूम डिजाइन कराएंगे, क्योंकि वो ऑडियंस को बिल्कुल ऑथेंटिक और सच वाली फीलिंग देना चाहते हैं, जो आदि पुरुष के रावण में ऑडियंस को नहीं मिली थी, क्योंकि रावण लंका का राजा था, इसलिए यश के कॉस्ट्यूम को असली सोने से बनाए जाने की प्लानिंग चल रही है। कॉस्ट्यूम को पहनने के लिए यश अपना 15 किलो वजन बढ़ा रहे हैं। सोने का वजन भारी होता है, ऐसे में उसे कैरी करना अपने आप में एक चैलेंज होगा, इसलिए मेकर्स यश को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि स्क्रीन पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए। इस रोल के लिए यश खास तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ एक्सेंट या फिर बोलने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सेम ट्रेनिंग साई पल्लवी और रणबीर को भी दी जा रही है, ताकि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। रामायण को $100 मिलियन यानी कि तकरीबन 873 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया जाएगा, और ये बजट सिर्फ फिल्म के पहले पार्ट के लिए है, दूसरे पार्ट पर तो इससे भी ज्यादा खर्च होगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। रामायण को 2 पार्ट्स में बनाया जाएगा, दोनों पार्ट्स की शूटिंग एक साथ होगी। दिसंबर 2025 तक रामायण के दोनों पार्ट की शूटिंग पूरी हो जाएगी। मार्च से रामायण की शूटिंग शुरू हो चुकी है, इससे अगले 350 दिनों तक शूट किया जाना है। दिसंबर 2025 में दोनों पार्ट की शूटिंग पूरी हो जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि एक्टर्स की लुक एक जैसे बने रहे, वरना अगर रामायण की दो फिल्मों के बीच कोई और फिल्म शूट करेंगे तो
उसके लिए उन्हें अपनी बॉडी और लुक को बदलना पड़ेगा। बेकर्स ऐसा नहीं चाहते हैं। तो आपको इस पर क्या लगता है, क्या रितेश तिवारी ऑडियंस की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएंगे? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।